स्वामी जी, सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हो, जवाब आता है एक्सरसाइज और प्रोटीन पाउडर। जबकि प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में उन लोगों के लिए शुरू हुआ था जिनके शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती थी, यानी कि कमी रहती थी। और अब यही प्रोटीन पाउडर धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है, खासकर वो लोग जो जिम जाते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में लोगों का किडनी, लिवर खराब हो रहा है। तो पहले तो ये साइंस लोगों को समझाइए और उन्हें क्या करना चाहिए ये बताइए। देखो, नेचुरल प्रोटीन बॉडी में तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। एक बालक मिला कल मुझे 1.5 क्विंटल का। मैंने कहा, भाई तो पहले तो बड़ा पतला था, 75 किलो का था, अब पूरा 1.5 क्विंटल का। अरे रामा रामा, 150 किलो का। उसका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसकी जो है माता पिता जो है वो डंडा लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, मारा बालक बदनाम कर दिया। अरे भाई देखो, मैंने कहा तू पहले पतला कैसे हुआ था? बोले जी प्रोटीन पाउडर खाया था। प्रोटीन पाउडर खा करके और सारी डाइट बंद करके और फिर खाना शुरू कर दिया, घी मिठाई और बहुत राशन पेलना शुरू कर दिया। तो देखो, ये जो नेचुरल प्रोटीन जो अभी हम बता रहे थे, ये भी जो है विशेष परिस्थितियों में खाना सबसे पहली प्रायोरिटी अंकुरित। ये हमारे सामने देखो अंकुरित रखा है। ये जो अंकुरित है ना, ये खाली हमने प्रदर्शन के लिए नहीं रखा हुआ, ये जो अंकुरित है, अंकुरित मेथी भी है इसमें, अंकुरित मूंग भी है, अंकुरित चना भी है, थोड़ा इसमें मूंगफली भी डाल लो। ये अंकुरित और ड्राई फ्रूट्स, इसमें होता है पूरा जो है नेचुरल प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन जो है बादाम में भी होता है और प्रोटीन मूंगफली में भी होता है। अब मूंगफली को भी बादाम ही कहते हैं गांव में तो, लेकिन अब और ये सोया, ये सबको सुलभ है, दालें सबको सुलभ है, दूध दही छाछ प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, फिर पनीर भी सोया का भी, तो नेचुरल प्रोटीन। फिर प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक, ये जो बाजार में प्रोटीन पाउडर के नाम पर और वेव प्रोटीन और आइसो प्रोटीन में तो और 80-90% एक्टिव प्रोटीन है। अब उसको पहले तो हजम करने के लिए हाजमा अच्छा होना चाहिए, लीवर अच्छा होना चाहिए, उसके लिए हमने पावर योगा का एक सेशन तो करवा दिया है। फिर ये मंडू का आसन करना चाहिए जो हमारे इन बच्चों की तरह, मंडू का आसन, थोड़ा सा स्पीकर हल्का सा कर दो बेटा, मंडू का आसन इतना करे 1-2 मिनट तक कि लीवर पूरा एक्टिवेट हो जाए। ये जो बाजार से प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं ना, ये ज़्यादातर कृत्रिम तरीके से बनाए हुए अथवा एनिमल बेस्ड होते हैं। जो एनिमल और केमिकल बेस्ड प्रोटीन पाउडर हैं वो मनुष्य की मूल प्रकृति के खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं। तो लीवर जो है वो रिएक्ट करता है, किडनी रिएक्ट करती है, पूरी बॉडी जो अननेचुरल चीज़ें होती हैं ना बॉडी के अंदर, एक बहुत खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। अब स्वामी जी, मतलब सीधा मतलब आपका हुआ कि जो खराब तो खान पान है उसका असर स्वामी जी लीवर के ऊपर भी पड़ता है। तो स्वामी जी, एक स्टडी जो हुई उसके मुताबिक ये खराब खान पान के चलते लीवर के खराब होने से दुनिया के 2 अरब लोगों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो घट गए हैं। अब इतना ही नहीं स्वामी जी, आयोडीन विटामिन इसके अलावा कैल्शियम की कमी से जूझ रहे 5 अरब आबादी भारत के, अब लोग कहते हैं कि आबादी और भारत की जो आबादी है वो भी खराब हो रही है। और लैंसेट की रिपोर्ट के तो मुताबिक है कि हर आयु वर्ग में करीब 15 पोषक तत्वों की कमी है। अब देश की महिलाओं में आयोडीन, पुरुषों में जिंक मैग्नीशियम की कमी हो रही है स्वामी जी, अब पथरी की दिक्कत भी शुरू हो जाती है इससे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वामी जी, खराब खान पान लीवर के खराब होने का असर आपकी आबादी पे पड़ता है, यानी कि आने वाला जो जनरेशन है स्वामी जी, अब उसके लिए बहुत खतरा है, और इस खतरे से आप ही निकाल सकते हैं और योग और आयुर्वेद निकाल सकता है।
तो देखो इस खतरे का एक ही समाधान है अमित भाई, मंडूकासन, योग मुद्रासन जैसे सहजासन। आज हम पूरा पैकेज करेंगे पाचन का, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पीछे लेट करके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, फिर अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पूरा पैकेज करेंगे पाचन का। और इसके साथ साथ ये बताना चाह रहे हैं कि जो साधारण आहार है, दाल, रोटी, सब्जी, शाक, सब्जियां, अनार, फल, सलाद, मिलेट्स, इन सब का संतुलित रूप में इस्तेमाल किया जाए और वो खाया पिया हजम हो जाए तो किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। ज़्यादातर न्यूट्रिशन की कमी, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे अलग अलग प्रकार के D12, ओमेगा और ये प्रोटीन। अब प्रोटीन की कमी होने से मसल्स रोगों के टूट रहे हैं, SLEMS, MND जैसी बीमारियां हो रही हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, विटामिन डी की, B12 की कमी से नसनाड़ियों की दिक्कतें हो रही है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो रही है, विटामिन ए की कमी से लोगों की आँखें कमज़ोर हो रही है, विटामिन सी की कमी से लोगों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, और ओमेगा की कमी से लोगों का दिमाग कमज़ोर हो रहा है। अनुलोम विलोम करो सब बच्चों, हाँ लगातार कपालभाति, अब कपालभाति करो, चलो कपालभाति से हजमा बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये प्रोटीन हमारी डाइट में पूरा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। उसके लिए एक तो मिलेट्स का सेवन ज़्यादा करें, अंकुरित का सेवन करें, और जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी की पूर्ति के लिए हमारी डाइट के अंदर सलाद के साथ साथ फ्रूट्स के साथ साथ विविधता होनी चाहिए। कई तरह की सलाद, कई तरह के फ्रूट्स, कई तरह के अनाज, मिलेट्स, कई तरह के तेल, हाँ ये सब चीज़ें हम जानते हुए भी ना कुछ चीज़ों के का व्यक्ति आदि हो जाता है। मेरे को ये अच्छा लगता है, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी खतरनाक होती है। हमने अपने पतंजलि गुरुकुल में नियम बना रखा, सब बच्चों को रोज अंकुरित मिलेगा, सब बच्चों को सब तरह की सलाद, सब तरह की सब्जियाँ, सब तरह के मिलेट्स खिलाते हैं, या लाइकिंग डिसलाइकिंग का फिर वो चक्कर ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ये हमें थोड़ा अपनी सोच में और अपने खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा।